वेलकम टू माय चैनल कुक बुक बाय सुधा। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बिहार और झारखंड की एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यमी रेसिपी है, लेकिन इसको ऑल ओवर इंडिया सभी लोग बहुत लाइक करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको आज की अपनी रेसिपी के इंग्रीडियंट्स दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने ये आटा लिया है, गेहूँ का आटा है और इस साइज़ की 2 कटोरियाँ मैंने आटा लिया है। साथ ही मैंने ये लिए जो भुने हुए चने होते हैं, जिसका छिलका उतरा हुआ होता है, उसको मैंने क्या किया है, इसको ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। और इसके साथ मुझको जो चोखे की ज़रूरत होगी, उसके लिए चोखे के लिए हमने लिए हैं ये थोड़े आलू हैं, 3-4 मेरे पास आलू हैं, 4 ही मेरे पास ये टोमेटो है और 1 बैंगन है, जिसको मैंने क्या किया है, इन सबको मैंने गैस के ऊपर रोस्ट कर लिया है। जिस तरीके से हम भरता बनाने के लिए बैंगन को रोस्ट करते हैं, बिल्कुल मैंने इसी ढंग से इसको रोस्ट किया है। और ऐसे ही मैंने टोमेटो हैं, इनको भी रोस्ट कर लिया है। इसके साथ मुझको जिन इन्ग्रीडियंट्स की और मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके साथ लिया है ये सॉल्ट है, ये मेरे पास चिल्ली पाउडर है, ये मेरे पास गर्म मसाला, अजवाइन, बेकिंग पाउडर, ये है लेमन जूस, ये जिंजर और ये गार्लिक का पेस्ट है, ये है मेरे पास ग्रीन चिल्ली, ये भी मैंने इसको भी कूट लिया, ये भी पेस्ट बना लिया है, और ग्रीन कोरिएंडर है, और ये हमारे पास आम के अचार का मसाला है, साथ में थोड़ा सा ऑयल है, और ये हमारे पास रिफाइंड ऑयल है जो कि हमको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और थोड़ा फ्रेंड्स हमको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हमको जितनी ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आटे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम आटा डालते हैं पहले, और इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम डालेंगे ये सॉल्ट, और 1/4 के करीब हम डालेंगे ये बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून है, और साथ में हम लेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा इस तरीके से हम हाथ से दरदरा कर लेंगे, क्योंकि इसकी टेस्ट को बहुत बढ़ाती है। और इसके साथ ही हम ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर क्या करेंगे, हम डालेंगे ऑयल। अगर ऑयल अच्छा डाला हुआ होगा और बेकिंग पाउडर अच्छा डाला हुआ होगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और थोड़े से हमें इसके साथ ज़रूरत होगी पानी की। अब हम इसको पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा पानी डाल के आटा मल के रख लेते हैं, और इसको हम 15 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हमने पानी डाल के आटे को तैयार कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं हम, उसके बाद हम चोखा तैयार करेंगे। ये जो मैंने चने का आटा लिया है, चने का आटा बनाया है मैंने, मतलब उसको पीस के रखा है, ये वो है। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ये सॉल्ट, इसमें भी 1/4, क्योंकि 2-3 जगह पर सॉल्ट डल रहा है इसलिए ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये रेड चिल्ली पाउडर भी थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर मैंने ग्रीन चिल्ली भी डाली है जो मैंने ये ग्राइंड करके रखी है, थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास, इसको मैं डालूँगी। और फ्रेंड्स, मैं डालूँगी इसके अंदर जो मेन है वो है ये आम के अचार का मसाला, जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ाएगा, और इसी का मैं डाल रही हूँ थोड़ा ऑयल। आम के अचार का जो तेल होता है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसके साथ मैंने थोड़ा 1 नींबू का रस निकाल के रखा है, ये डाल लेते हैं, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमको थोड़े से पानी की भी हो सकता है इसमें ज़रूरत पड़े। और फ्रेंड, थोड़ा सा रह गया अभी हरा धनिया, ये भी हम डाल लेते हैं इसके अंदर। पानी बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ये ना हो कि पानी ज़्यादा हो। अब ये हमारी फिलिंग जो कि मैंने चने के आटे से सत्तू से तैयार की है, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको भी हम एक साइड रख देते हैं, और हम क्या करते हैं कि अपने
जो हमारा चोखा है उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आलू ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं और जो ये मैंने ये रोस्ट किया है, बैंगन है और ये मेरे पास टोमेटो है, इनको मैं इनके इस तरीके से छिलके उतार लेती हूँ। अब हमने इसका सारा छिलका उतार लिया है और हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये आलू भी डालकर इन सबको एक इकट्ठा ही मैश कर लेते हैं। हमने इसको सारा मैश कर लिया है और हम क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े जो स्पाइसेस है हमारे पास, इन सबको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये जिंजर पाउडर है, जिंजर गार्लिक, ये हमारा ग्रीन चिल्ली और ये थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं। थोड़ा हम क्या करेंगे, हम अभी थोड़ा सा ना छौंक बना के इसके अंदर मिक्स कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट जो होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये थोड़ा हमने इसके अंदर डाल दिया है जो हमारे आम के अचार का मसाला था। फिर थोड़ा सा ही हम इसके अंदर ये 2 टीस्पून मेरे पास ऑयल है, मैं वो मिक्स कर देती हूँ। अब इन सबको मिक्स करके मैं रख लेती हूँ और थोड़ा सा इसका छौंक तैयार करके वो इसमें, फ्रेंड्स इसमें मैंने ये 3 टीस्पून ऑयल डाल लिया है और ऑयल मेरा गर्म हो ही गया है। इसमें थोड़ा सा मैंने जो अजवाइन थी उसमें ज़रा सा जीरा और मिक्स कर लिया और इसको डाल लेंगे। साथ में अदरक, ये जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है, अदरक लहसुन का, इसको हम डाल लेते हैं। सॉल्ट, थोड़ा चिल्ली पाउडर, एक गरम मसाला, ग्रीन चिल्ली। ये जो मैंने छौंक थोड़ा सा तैयार किया है ये हम इसको इसी में मिक्स कर देते हैं। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट है। हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे रोटी के जैसे बोल बनाएंगे और फिर उनके अंदर हम इस ये फिलिंग अपनी भरते जाएंगे इस तरीके से। इसको राउंड करके थोड़ा डीप करके थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम फिलिंग भर देंगे और फिलिंग भर के हम प्रेस इस तरीके से थंब से प्रेस करके इनको बंद कर देंगे। फ्रेंड्स अब इतने आटे से हमारे ये इतने सारे लिट्टी तैयार हो गए हैं, हमने सबको फिल कर लिया है और हम क्या करते हैं, अपने मेकर में और कढ़ाई में दोनों तरीके से आज हम इनको कुक करते हैं। अब हमने अपना अप्पे मेकर रख दिया है गर्म होने के लिए और क्या करेंगे, सब में थोड़ा थोड़ा वन वन ड्रॉप इस तरीके से ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के हम सब में ये एक एक अपना लिट्टी रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा इनको भी ग्रीस कर देंगे हल्का हल्का, बस अब हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए बंद करके और फिर 5 मिनट के बाद देखते हैं कि ये कितने तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स दूसरी तरफ मैंने क्या किया, एक थोड़ी भारी तले की कढ़ाई लेके उसको रख दिया है जिसका नीचे बॉटम थोड़ा हैवी है और इसको भी मैंने इसी तरीके से ग्रीस कर दिया है। और ग्रीस करके अब जो हमारे बाकी के बचे हुए लिट्टी हैं इनको हम इसके अंदर रख देंगे।
ये हल्के बेस वाले में इनको ना रखें, नहीं तो ये एकदम से जल जाएंगे। और ऊपर से इनको भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इस तरीके से ग्रीस कर देंगे और हम ढक के रख देते हैं इनको भी, और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे। और गैस का जो फ्लेम है वो एकदम हमारा लो है। 3 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं कि कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। फ्रेंड्स, एक तरफ से ये तैयार हो गए हैं और हम क्या करते हैं, सबको पलट देते हैं। अभी हमारे एक तरफ से बिल्कुल तैयार हो गए हैं और मैंने सबको पलट दिया है और अभी ये 2-3 मिनट में और तैयार हो जाएंगे। अब हम इधर भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा लिट्टी चोखा दोनों चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरीके से देसी घी डालकर भी इसको खा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट चाहिए, पर खाने में ये बहुत, इससे जो है टेस्ट बढ़ जाता है। और ये हमारा इसका चोखा बिल्कुल तैयार है। अब एक बार आप हमारे तरीके से ही अपने घर पर लिट्टी चोखा बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो देखकर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। फ्रेंड्स, आप फेसबुक पर भी हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जब तक हम नेक्स्ट रेसिपी लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।